please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. नमस्ते, मैं हूं किशोर रजवाणी और अब आज की ताजा खबर। नमस्कार, मैं हूं फरा खान। कर्नाटक विधानसभा में आज शाम 4 बजे बहुमत परीक्षण होगा। इससे पहले विधानसभा में सभी विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी, जिसके बाद मुख्यमंत्री येडियुरप्पा आज बहुमत साबित करेंगे। 104 विधायकों वाली बीजेपी ने दावा कर रही है कि वो बहुमत परीक्षण पास कर लेगी। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस जेडीएस का कहना है कि उनके पास 118 विधायक हैं। कर्नाटक में विधानसभा की कुल 224 सीटें हैं, इनमें से 222 सीट पर ही चुनाव हुए। जेडीएस के एचडी कुमार स्वामी 2 सीटों पर चुनाव जीते थे, उन्हें 1 सीट छोड़नी होगी। इसके बाद विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या 221 ही रह जाती है। इसके हिसाब से देखें तो बहुमत का आंकड़ा घटकर 111 पर आ जाता है। ऐसे में येडियुरप्पा को बहुमत का आंकड़ा 111 जुटाना होगा। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा जो है लोकतंत्र और संविधान की हत्या कर रही है, क्या कहना चाहते हैं अमित भाई? अरे कांग्रेस का बात मत सुनिए, कांग्रेस ने इस देश को कितना सर्वनाश किया सब जानते हैं, कांग्रेस का बात को मत बोलिए। सर मणिपुर और मेघालय में भी ऐसी बात चल रही है कि गवर्नर के पास जाके हम जो सरकार बनाएंगे उस पर क्या कहना? आप कांग्रेस का जो उस पर मत जाइए, वो उनका कोई सुनने लायक नहीं, उनको कोई विश्वास नहीं करते आजकल।